बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नस्रुमिनल्लाहि वफत्तुन करीब शुरू करते हैं जी आज के व्लॉग को। और आज का व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, एंड तक ज़रूर देखिएगा, मेरे साथ कनेक्टेड रहिएगा। चलिए जी, मैं आज आप लोगों को वाइट बीन के बारे में कुछ बताती हूँ, इसके बेनिफिट बताती हूँ, ताकि जो जो बच्चे नहीं खाते वो भी खाना शुरू कर दें। वाइट बीन सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होता है, इसके अंदर पोटेशियम पाई जाती है, कम फैट्स होते हैं, कैलोरीज के साथ होता है, तो इसलिए ये दिल के लिए तो बहुत ज़्यादा ही फ़ायदेमंद है। सेकेंड जो चीज़ है इसके अंदर, वो इसमें प्रोटीन की वाफर मकदार होती है, जो हमारे स्किन, नेल्स, हेयर और मसल्स के लिए बहुत ज़रूरी होती है, और ये स्ट्रॉन्ग करता है इन सब चीज़ों को। उसके अलावा ये रिड्यूस करता है एंटी एजिंग को, इसके एंटी एजिंग ऑक्सीडेंट होते हैं इसके अंदर, जिसकी वजह से हमारी जो एंटी एज के बढ़ते साइंस हैं उनको ये कम करता जाता है। वाइट बीन के अंदर वाइटामिन ए की जो मकदार है वो पालक से भी ज़्यादा होती है, तो ये आँखों की बिनाई के लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद है। वाइट बीन के अंदर फाइबर होता है जो आंतों के अंदर हरकत करता है, और ये बहुत कम वक्त में हरकत करता है, जिसकी वजह से ये कॉन्स्टिपेशन का जो इशू होता है उसको भी रिड्यूस कर देता है, ख़त्म कर देता है। वाइट बीन में मौजूद जो फाइबर होते हैं वो ब्लड शुगर लेवल को कम करते हैं और इंसुलिन को भी ये सतह को बरकरार रखते हैं। इसके अलावा ये हाई ब्लड प्रेशर के लिए बहुत मुफीद है और हड्डियों को मजबूत बनाता है, क्योंकि इसके अंदर फाइबर, प्रोटीन, फास्फोरस और पोटेशियम जो है वो बहुत ज़्यादा मकदार में पाया जाता है। उम्मीद करती हूँ कि इतने सारे बेनिफिट सुनने के बाद आप लोग वाइट बीन खाने पे हो जाएंगे मजबूर। डाइट के लिए भी ये बेहद बेहतरीन है, डाइट जब किसी ने करनी हो तो इसे खाएं तो भूख कम लगती है और पेट भरा भरा सा होता है महसूस। चलो जी, इसके बाद ही तो मैंने आज आप लोगों के साथ थोड़ी सी वाइट बीन की बेनिफिट बता दिए, और फिर मैं आप लोगों को ले आई थोड़ा सा घुमाने फिराने, मैंने कहा थोड़ी सी आप लोगों को सैर भी करा दूँ, लेकिन ये सैर मुझे पड़ी भारी। मैं बाहर तो चली गई लेकिन मेरी मानो बिल्ली को लग गई, और मुझे लगा कि मैं क्यों आई थी बाहर, अगर मैं बाहर ना आती तो मेरी शहजादी बेटी को लगती नहीं, लेकिन क्या करें, जो होना होता है वो होके ही रहता है, ना चाहते हुए भी वो काम हो जाते हैं। वेल जी, आज मैं आप लोगों को एक और भी बहुत अच्छी सी इन्फॉर्मेशन दूंगी, वो है जी लाहौर प्लेस। यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है, बहुत बेस्ट रेस्टोरेंट है गांडिया में, और यहाँ पे जो डिफरेंट मेन्यू है इनका बहुत बेहतरीन है, और जो प्राइस रेंज है वो बहुत रीज़नेबल है। फ्रेंडली माहौल है, आप अपनी फैमिली के साथ जाइए, अगर आपके हस्बैंड बिजी हैं तो आप अकेले जाइए, आप इस मेन्यू को इंजॉय कीजिए अपने बच्चों के साथ, और ठोक दें स्टेटस पे स्टेटस। जैसे पाकिस्तानी आप लोगों को जेलस करते हैं, वैसे ही गांडिया में रहने वाले पाकिस्तानी पाकिस्तानियों को करें जेलस स्पेन में रहते हुए। जिनका मेन्यू बहुत अच्छा है, हर खाना बहुत ज़बरदस्त होता है। इसके साथ अगर आपने बर्थडे पार्टी भी सेलिब्रेट करनी है तो ये केक भी बनाती हैं, बर्थडे पार्टी भी आप अच्छे से सेलिब्रेट कर सकते हैं यहाँ पर। इसके अलावा ये बहुत ही ज़बरदस्त बेहतरीन सी कुल्फ़ी बनाती है, जिसे खा के आप हो जाएंगे खुश। इसके साथ जी मेरा व्लॉग हो गया एंड, आप विजिट ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे हैं न्यू तो फौरन से कर लें मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, बेल के आइकन को ज़रूर दबाइए, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो से आप रहें अपडेट।